हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही हाइजीनिक तरीके से रोज़ का शरबत या गुलाब का शरबत तैयार करेंगे। इसके लिए हमें देसी गुलाब चाहिए। आजकल बाज़ार में बहुत आ रहा है, घर में भी लगे हों तो निकाल लीजिए। इंग्लिश गुलाब का नहीं बनेगा देसी गुलाब में। पंखुड़ियाँ अलग कर ली और डंठल निकाल दिए हैं। इसे दो तीन पानी में अच्छे से धोकर आधा लीटर पानी में गैस पर चढ़ा देंगे। तो गैस पर इस पर पकाने के बाद 5 मिनट में ही ये जो है पेटल्स अपने जो है कलर निकाल देंगे। गहरा रंग लाने के लिए इसमें कुछ टुकड़े चुकंदर के डालेंगे। हम आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं करेंगे और शुगर का यूज़ नहीं करना, तो इसलिए धागे वाली मिश्री ली है मिठास के लिए। तो मिश्री को हम पहले कपड़े में रखकर तोड़ लेंगे थोड़ा, ताकि हमारे जो है मिक्सर ग्राइंडर के जो ब्लेड हैं वो ख़राब ना हो। और छोटे टुकड़ों में काटने के बाद धागे निकाल देंगे और इस मिश्री को पीस लेंगे। ये हमें 2 कप के करीब चाहिए। मिश्री हो या चीनी का यूज़ कर रहे हैं 2 कप बिल्कुल ठीक रहता है। अब ये सिरप हम अच्छे से छान लेंगे और इसकी गुलाब की पंखुड़ियों को भी दबा दबा कर इसका रस निकाल लेंगे। और ये हमारा जो है रस निकल गया है। अब इसमें 2 कप जो है मेज़रमेंट से मैंने इसमें धागे वाली मिश्री पिसी हुई डाल दी है और इसको हम गैस पर पकने के लिए रख देंगे। बहुत अच्छे से इसको पका लेंगे। इसमें अच्छे बबल्स आने लगे हैं और ये हमारी गाढ़ी हो गई है। अभी मैं इसे चेक कर लेंगे। ये हमारी चिपचिपी चाशनी सी तैयार हो गई है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है हमें तार नहीं लानी है। ये ऐसे ही हमारा बन गया है और इसको हम जो है गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। 1 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे और रोज़ वाटर डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा सिरप जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। इसमें डली हुई चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो इसको दूध या पानी में हम डालकर बर्फ़ की टुकड़ियों के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, तो देर किस बात की है, बनाइए, पीजिए और पिलाइए।